जहाँ पे जा रहे हैं वो है कनकाई माता टेम्पल, जो कि गिर फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर है। जो फॉरेस्ट का रूट है वो रूट पकड़ के हमें अंदर जाना पड़ता है, लगभग 25 किलोमीटर दूर है सासन गिर से, और पूरा का पूरा रास्ता जो है वो जंगल से निकल के जाता है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, पूरा जंगल का है तो अंदर एनिमल स्पॉटिंग भी हो सकता है, तो देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। वी आर गोइंग टू कनकाई माता टेम्पल। ये सब पूरा रेलवे रूट के साइड से रेलवे रूट को क्रॉस करके हम जाते हैं, और पूरा जंगल का रास्ता है। हिरन स्पॉट हुआ है, डियर दिखा है हमने। और जैसे हम ये रास्ते से गुजरते हैं तो बीच बीच में हमें ये कॉटन के कपास के खेत नजर आते हैं। अब आराम से उतर के यहाँ पे जाके थोड़ा सा इधर उधर करके आप ये जो नेचुरल कॉटन है इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये और एक बार गांव छोड़ने के बाद हम जा रहे हैं जंगल की ओर। यहाँ से आगे फिर से जंगल स्टार्ट होता है और वहां से हम जाते हैं कनकाई माता के मंदिर में। और ये ऐसे जंगल में हमें हिरन स्पॉट होते हैं, हालांकि आप ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते उनके क्योंकि इनकी टेरिटरी है, और भी एनिमल स्पॉट हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम आते हैं कनकाई माता टेम्पल। है कनकेश्वरी माता जी का टेम्पल, जो कि गुजरात में गीर के जंगल में बीचों बीच फंसा हुआ है। ये वैसे तो काफ़ी पुराना मंदिर है लेकिन अभी इसको नए तरीके से बनाया गया है, तो काफ़ी नया नया हमें लगता है। और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं लोगों को आने के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर आराम से बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो सारी नेचुरल ब्यूटी है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आप गुजरात में आओगे तो ये रूट बहुत अच्छा है, जंगल से आप गुजरते हो तो एनिमल्स का साइटिंग भी होता है और घूमने के लिए बहुत अच्छा रूट है। तो जब भी आप आओगे गुजरात में ज़रूर आइएगा। इसी तरह से हम घूमेंगे देश के अलग अलग जगहों पे, जाएंगे बिल्कुल नई नई जगहों पे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर घूमते रहिए, सीखते रहिए,
जिंदगी एंजॉय करते रहिए।